हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। माय डीमन वेब के एपिसोड 132 साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद। तो एपिसोड 134 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहाँ पर मिस्टर मार्टिन आ जाते हैं। एली कहता है, मिस्टर मार्टिन आप यहाँ पर? मिस्टर मार्टिन एली से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? काफी समय हो गया है, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। एली कहता है, टीचर मार्टिन क्या आप और वॉन यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं? टीचर मार्टिन कहते हैं, हाँ हर कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया है। टीचर मार्टिन एली से पूछते हैं, लेकिन इजाबेला को क्या हुआ और जियांग के बारे में क्या, वह कहाँ पर है? मैंने उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। एम्बरी रोते हुए टीचर मार्टिन से कहती है, टीचर मार्टिन जियांग अब नहीं रहा। क्या कुछ गलत हुआ है? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? वह घायल है टीचर मार्टिन, जियांग ये वह चला गया। टीचर मार्टिन के यह सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? टीचर मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर मार्टिन एली से कहते हैं, एली इजाबेला के साथ यहाँ से निकल जाओ, उसका मूड खराब है और उसे एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए। एमरी कहती है, हाँ ठीक है टीचर मार्टिन, लेकिन आप? टीचर मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से रीजेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं उन लोगों से निपटने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे छात्र को मार डाला है। तभी मोटोसो और साटो के बीच फाइट शुरू हो चुकी होती है। साटो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर, क्या तुम दो भाइयों के पास बस एक केवल छोटी सी ट्रिक है? मोटोसो गुस्से से कहता है, अपना गंदा मुंह बंद कर कमीने। वहीं पर वार्ते ने यालू को एक वैरियर के अंदर कैद कर लिया होता है। यालू कहता है, मुझे बाहर निकालो। कमीने, मुझे अभी बाहर जाने दो। वार्ते अपने मन में बोलता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जब तक रेड ग्रेनाइट की दीवार लगातार उत्पन्न होती है, यह उसे रोक कर रख सकती है। आशा है कि अन्य लोग भी अच्छा कर रहे हो। एक जरूरी बात, पिछले एपिसोड में और क्वीन के बारे में गलत बताया गया था, वह दरअसल विस्टमैन की क्वीन है। फिर विस्टमैन क्वीन और लायन के दोनों मिलकर एलिना पर अटैक करने लगते हैं। एलिना कहती है, क्या तुमको सच में लगता है कि मुझसे इस तरह से निपटना बहुत आसान है? एलिना एक बार फिर से अपनी जाइंट बॉडी कर उन दोनों को पीछे ढकेल देती है। वहीं पर ग्रिफिन्स आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं, सभी लोग देखो उस बड़े आदमी के पास ऊपरी हाथ है, जल्दी चलो एक साथ चलते हैं, जाओ और उसकी मदद करो, जाओ। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। ध्यान से, दुश्मन सैनिकों की एक बड़ी संख्या पीछे आ रही है। वे वॉनो की हवाई टुकड़ी है बीस्ट क्लैन के साथ। एलिना कहती है, इतने सारे एक्स्ट्रा सैनिक। एलिना ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, वह तैरती हुई वस्तु वॉनो की राजधानी है। वहीं पर रीजेंट होता है और वो कह रहा होता है, कमजोर लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर टीचर मार्टिन आ जाते हैं। रीजेंट कहता है, अरे क्या यह रिस्पेक्टेड मिस्टर मार्टिन नहीं है? लंबे समय से तुमको नहीं देखा है। टीचर मार्टिन बहुत ही ज्यादा गुस्से से रीजेंट से कहता है, यह तुम हो, तुम वही हो जिसने मेरे स्टूडेंट को मार डाला। रीजेंट अपना सिर नीचे करते हुए कहता है, यह वह नहीं है जिसकी मुझे चाहत थी। तो हमारा एपिसोड 134 यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।